देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन 2021 में, 25 फरवरी को ही पूछा गया है इवनिंग स्लॉट में। तो ये क्या बोला, देखो आई एन इक्वल टू लिमिट दी है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कोट पावर एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एन, यहाँ भी एन, तो मतलब एन की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो वो यहाँ पर भी रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको सोल्व करना है, देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कोट की पावर एन एक्स डी एक्स, ये है। तो क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कोट की पावर एन माइनस 2 एक्स और कोट स्क्वायर एक्स, सॉरी कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कोट की पावर एन माइनस 2 एक्स, कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो तो ये हो गया पाई बाई 4 पाई बाई 2 कोट की पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, तो इसकी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ये कोट की पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या बिल्कुल सेम है, एन की जगह क्या हो गया एन माइनस 2, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, देखो आई एन इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आई, ये इसको क्या लिख सकते हैं आई एन माइनस 2, बिकॉज एन की जगह क्या हो गया यहाँ पर एन, क्वेश्चन में जो पावर थी कोर्ट की वो एन थी, यहाँ पर क्या हो गया एन माइनस 2, बाकी सब सेम है, तो इसको हम लिख दिए आई एन माइनस 2, जो कि आई एन माइनस 2 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ये, तो ये हो गया आई एन माइनस 2 इक्वल टू क्या बचा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कोट टू दी पावर एन माइनस 2 एक्स इंटू कोसैक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ये बचा। तो अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अगर हम कोट एक्स को कुछ पुट कर देते हैं, कोट एक्स इज इक्वल टू टी मान लिए चलो, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोट एक्स का माइनस का कोसैक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे तो अगर अपर लिमिट चेंज करते हैं टी की टर्म में तो क्या होगा, टी बराबर क्या है कोट एक्स, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, तो टी बराबर कोट पाई बाई 2, ये अपर लिमिट है टी की टर्म में, तो कोट पाई बाई 2 मीन्स कोट 90, कोट 90 क्या होगा 0, यहाँ पर लोअर लिमिट कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो हमारे पास क्या हो गया, जो लिमिट है वो 1 उससे 0, 1 से 0, ये हो गया टी की पावर एन माइनस 2, ये हो गया माइनस का डी टी, ठीक है। अब देखो ये माइनस का डी टी, हम लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस आता बाहर, जो माइनस बाहर आएगा और इस माइनस को मिला के क्या हो जाएगा प्लस, वो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, लिमिट हमने क्या कर दी रिवर्स पलट दिया, तो टी की पावर एन माइनस 2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 1 ऐड करेंगे इसमें को, तो टी टू दी पावर एन प्लस 1, सॉरी 1 ऐड करेंगे तो ये एन माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा एन माइनस 1, लिमिट क्या है 0 टू 1। तो आप देखो अब क्या होगा इसमें, ये 1 अपॉन एन माइनस 1 तो बाहर आ गया, और यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर एन माइनस 1 1, 0 पुट करेंगे तो 0, यानी कि 1 ही बचा, तो जो हमारा आई एन माइनस सॉरी आई एन प्लस आई एन माइनस 2 है वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन एन माइनस 1 के इक्वल, ठीक है ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, अब तो n की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर,
देखो n की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू पुट करते हैं हम 4 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ i2 i3 i4 i5 और i6 हैं, तो i2 कब आएगा? अगर हम 2 पुट कर देंगे तो यहाँ i0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या पुट करेंगे i4 पुट करने पर ये 2 बन जाएगा और ये 4 भी चाहिए हमको, 2 भी चाहिए, तो यहाँ पर n बराबर 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो, i4 प्लस i2 इक्वल टू 1/3, क्योंकि यहाँ 4 माइनस 1 3। जब n बराबर 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये i5 प्लस i3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, और जब n बराबर 6 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा i6 प्लस i4 इक्वल टू 1/5। अगर हम इन तीनों को रिवर्स करते हैं, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखो, i2 प्लस i4 इक्वल टू 3, इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा i3 प्लस i5 इक्वल टू 4, और इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/ i4 प्लस i6 इज इक्वल टू 5। अब इन तीनों को देखो, एक समीकरण 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों को देखेंगे तो क्या लग रहा है, 3, 4, 5 किस में है, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर 3, 4, 5 अर्थ AP में है, तो ये भी क्या होंगे AP में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है देखो, 1/ वाला, जो अपॉन वाला है, यानी 1/ i2 प्लस i4, 1/ i3 प्लस i5, 1/ i4 प्लस i6 आर इन AP, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ओके, जय हिंद।